दोनों बच्चे बराबर के मिलेंगे आपको हर उसमें। ये देख सकते हो आप, ये बच्चा कितना अच्छे अच्छे बने हुए हैं, टचवुड बिल्कुल एकदम बराबर के ही मिलेंगे। बस ये है कि खिलाई पिलाई थोड़ी अच्छी चाहिए कबूतरों की। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई सर्दी में बच्चे नहीं बचते या वैसे कोई दिक्कत आती है, देख सकते हो। ठीक है, दोनों एकदम बराबर बराबर के। तो ये कुछ हम बीटा डालेंगे इसके अंदर, क्योंकि अब इतना हाथ तो बैठ गया, ऑलमोस्ट 10 चम्मच डलेगा, तो उतना मैं हाथ से ही डाल देता हूँ। तो ये 10 चम्मच के अराउंड हमने बीटा इसके अंदर डाल दिया। हरी बीटों से बचा के रखना कबूतर को बहुत ज़रूरी है, तो ये डाइजेशन के लिए बहुत अल्टीमेट चीज़ है। ग्रीन बीट वगैरह से बचा के रखते हैं कबूतरों को, और लीवर का ध्यान भी लीवर टॉनिक के थ्रू हो जाता है। कोई बहुत ज़्यादा मैं इनको अलग अलग चीज़ें नहीं दे रहा, ठीक है, सिंपल रखे हुए हैं भाई, और आपके सामने हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं सारे के सारे। बच्चे आपको दिखा दिए मैंने, सही है। तो और कोई देखो ऐसा सच कोई मैंने अलग से ढके ढुके नहीं हुए, बट इसी से ही गर्म रहते हैं सर्दी में, डाइट से ही गर्म रहेगा जो कबूतर। गर्म रहेगा ना, दड़बों में हीटर लगाने से कुछ नहीं होएगा, जो कबूतर गर्म रहेगा वो भाई डाइट से गर्म रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारी वेबसाइट featherandpaws.com को विज़िट करना ना भूलें। वहाँ पे आपको कबूतरों की आवश्यकता की हर चीज़ मिल जाएगी, जैसे कि आपके कबूतरों के लिए फीड, फीडिंग ट्रे, वाटर ड्रिंकर, डमी एग्स हो गए, आपके नेस्ट बोल हो गए, नेस्ट पैड हो गए, और हर चीज़ जो है बिल्कुल टॉप क्वालिटी में और बिल्कुल फ्री कोरियर के साथ में आपके घर पे उपलब्ध कराई जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वेबसाइट विज़िट करना ना भूलें। तो भाई आप ये देख सकते हो, ये सारे बच्चे हैं जो मैंने अगले साल की तैयारियों के लिए निकाल रखे हैं। और क्वालिटी अगर मैं दिखाता हूँ बच्चों की, तो ये है इस टाइम, बाकी बच्चे कुछ मोल्टिंग में हैं, ठीक है। और बाहर का मौसम देख लो, और टाइम हो रहा है इस टाइम दोपहर के 2 बज रहे हैं, ठीक है, सूरज का नामो निशान नहीं है। कुछ बच्चे भाई यहाँ पर हैं, और कुछ बच्चे आपके जो हैं वो इस लॉफ्ट में अलग अलग कर रहे थे, जो पहले उड़ा लिए थे वो अलग कर दिए थे। ये देख सकते हैं आप बच्चों की क्वालिटी, ये बैठे हुए भाई, ये बच्चे हैं जो अगले साल के लिए तैयारियों में हिला के रोक रखे हैं। कुछ मोल्टिंग में हैं, कुछ वैसे हैं। ये देखो भाई, ये अपने मोल्ट में हैं बच्चे ये सारे। तो भाई पता क्या है कि जैसे सर्दी इतनी पड़ रही है, उसके बावजूद भी जो बर्ड्स को हेल्दी रखते हैं, बच्चे दिखाने का पर्पस ये था कि आप लोग सबसे पहले तो ये समझो कि इतनी ज़्यादा ठंड है, बट टचवुड भाई सारे बच्चे एकदम ओके फिट हैं। और बर्ड को फिट रखने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, देखो। और सबसे बड़ी बात है, आप हमारे लॉफ्ट देख सकते हो, मैंने कोई भी एक भी लॉफ्ट भी ढका नहीं हुआ, जैसे हैं वैसे ही हैं, 12 महीने ऐसे ही रहते हैं अपने। और बर्ड्स को ढकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने सारे जंगली कबूतर वगैरह भी होते हैं, उनको भी कोई ढकता नहीं है। तो इनको हम गर्म किस हिसाब से रखते हैं और किस हिसाब से हेल्दी रखते हैं, आज की पूरी वीडियो इस बारे में ही रहने वाली है। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या सप्लीमेंट्स हम यूज़ करेंगे भाई। सबसे पहले जो बर्ड्स को हेल्दी रखने के लिए हम 12 महीने डालते हैं, वो है ये सुपर ब्रीडिंग का दाना। आप देख सकते हो इसमें बर्ड्स की न्यूट्रिशन के लिए हर रिक्वायर्ड चीज़ जो होती है वो पूरी होती है इसके अंदर। वॉश्ड होता है दाना सारा, और सुखाया होता है मशीनों से ही, सारा वॉश्ड एंड ड्राइड होता है, ठीक है। उसके बाद अपना मेन सप्लीमेंट जो मल्टीविटामिन के रूप में हम 12 महीने देते हैं, वो है वर्सेलागा का बीटा। तो ये कुछ हम बीटा डालेंगे इसके अंदर, क्योंकि अब इतना हाथ तो बैठ गया, ऑलमोस्ट 10 चम्मच डलेगा, तो उतना मैं हाथ से ही डाल देता हूँ। तो ये 10 चम्मच के अराउंड हमने बीटा इसके अंदर डाल दिया, और साथ में जो है वो हम इनको दे रहे हैं, ये मैंने 5 लीटर की बॉटल में अपना मूंगफली का तेल निकलवाया हुआ है, ठीक है, अपना खुद मूंगफली ले जा करके अपनी आँखों से। ये मूंगफली का तेल है जो हम बर्ड्स को दे रहे हैं, ये एक ताकि सर्दी वगैरह में भी, और वैसे भी 12 महीने ताकि कबूतर ग्रीन बीट ना करें, ये डाइजेस्टो बैग है, ये कबूतरों के लिए प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक है, बहुत ही अच्छा डाइजेशन में ये काम करता है। साथ में एक ये लिवर टॉनिक है, पिजन लिफ्ट प्रो, तो एक ये लिवर टॉनिक देंगे ताकि इनका लिवर अच्छा चलता रहे, हाजमा बढ़िया रहे। ये ग्रीन बीट वगैरह से बचाते हैं, इनके डाइजेशन अच्छा रखता है, और मल्टीविटामिन दाना अच्छा है ही है, दाने के साथ में
वीटा मिला दिया और साथ में भी ये अपना मूंगफली का तेल मिला देंगे। तेल आप कोई भी डाल सकते हो, सरसों का भी डाल सकते हो, ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हो, बट मूंगफली का तेल थोड़ा गर्म रहता है तो सर्दियों में मैं प्रेफर करता हूँ कि मूंगफली का तेल ही इनको लगा करके दे दें। तो बाकी जो है आपके सामने अभी आपको सारी चीज़ दिखाएंगे, बर्ड्स को फीड कराएंगे और नीचे भी आपको मैं प्रोग्रेस दिखाता हूँ अपने कबूतरों की। और ये देख सकते हैं भाई सारे बर्ड हेल्दी है, कोई भी आप देख लो एक भी बर्ड जो है वो ऐसे फूल फूल के नहीं बैठ रहा होएगा, ठीक है। बल जबकि सर्दी इतनी ज़्यादा है कि हम लोग खुद फूल गए हैं इस टाइम पे, लेकिन बर्ड सारे टोटली एक्टिव हैं। कुछ जो है थोड़ा वो मोल्टिंग के चक्कर में वैसे रहते हैं, बट आपके सामने एक्टिविटी लेवल सारे बर्ड्स का ये देख सकते हैं, ठीक है भाई। ये अपना सुल्तान है, इसको भी बल्कि मैं मूंगफली का तेल ही दे रहा हूँ इस टाइम खाने में डाल करके। ये भी मूंगफली का तेल खूब खुश होके खाता है। बेटे सुल्तान देखो बीटा भी दे दिया करे क्या, मत कर, पूरे कपड़े गंदे कर देता है भाई यार, क्या करें। तो ये तो अभी ऊपर वालों के लिए फीड प्रिपेयर हो रही है, ये फीड तो जाएगी सबको। तो भाई ये 5 लीटर के ड्रिंकर है, ठीक है। 5 लीटर वाले ड्रिंकर में एक चम्मच भर के, ठीक है, 5 लीटर में एक चम्मच के अराउंड ये हम इनके प्रीबायोटिक डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा और डाल देते हैं एक से नहीं। और ये सारा प्रीबायोटिक हो गया इनका, ठीक है। ये डाइजेस्टो बैग जो इनको हरी बीटों से और सारी चीज़ से बचाएगा। और ये पिजन लिफ प्रो है भाई, ये 1 लीटर में एक ढक्कन डलेगा, तो जैसे 5 लीटर है तो 5 ढक्कन, 1, 2, 3, 4 और ये 5 ढक्कन इसमें, और 1, 2, 3, 4 और ये 5 ढक्कन इसमें आ गए, ठीक है भाई। तो ज़्यादा तो मैं कुछ कर नहीं रहा, आपके सामने है बर्ड की कंडीशन, क्योंकि भाई बोलने में और करने में बहुत फ़र्क होता है। तो मेरा मानना यही है कि जो लाइव आपके सामने चीज़ दिखा दूँ उससे बेटर तो क्या ही मैं आपको प्रूफ दूंगा भाई इस चीज़ का। बाकी आप लोग यूज़ करोगे तो आप लोग खुद इसका रिज़ल्ट बताओगे कि कितना बेहतरीन है। बाकी एक वीटा जो है, वीटा बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी सप्लीमेंट है, क्योंकि वो मल्टी विटामिन के साथ साथ मिनरल भी है, तो वो कंप्लीट कबूतर की जो भी रिक्वायरमेंट रहती है उसको पूरा करके रखता है। और साथ में ऑयल लग गया मूंगफली का तो वो और ज़्यादा बेटर काम करेगा। तो ये इस समय फीड तैयार है और इनको भी रख देंगे, देख सकते हो काफ़ी चाव से खाते हैं कबूतर। और ये लिवर टॉनिक और डाइजेस्टो बैक वाला पानी जो है ये इनका बन चुका है। हरी बीटों से बचा के रखना कबूतर को बहुत ज़रूरी है, तो ये डाइजेशन के लिए बहुत अल्टीमेट चीज़ है, ग्रीन बीट वगैरह से बचा के रखता है कबूतरों को। और लीवर का ध्यान भी लिवर टॉनिक के थ्रू हो जाता है। तो ये दो हैं, ये भी उतर जाएंगे अभी। तो भाई अपना आराम से बढ़िया खिलाओ और बढ़िया बनाओ। नीचे अभी मैं आपको जो ब्रीडर कबूतर हैं, क्योंकि मोस्टली लोग क्या कहते हैं कि सर्दी में ब्रीडिंग इतनी अच्छी नहीं हो पाती है, तो मैं अभी आपको ब्रीडर कबूतर भी दिखाता हूँ जिन्होंने बच्चे बच्चे निकाल रखे हैं वो कितने स्वस्थ हैं वो और देखना। तो इनको पानी रख देते हैं एक बार, ये अपना खाते रहेंगे, पानी वानी पीते रहेंगे सारे के सारे। तो इससे ज़्यादा मैं कुछ कर भी नहीं रहा भाई, और टचवुड सारे बर्ड हेल्दी है। तो भाई ये देख लो, ये अपने बड़े कबूतर हैं जोड़े वाले, ठीक है। इसमें भी देख लो, ये नीचे जो बैठे हैं ना ये सारे मोस्टली सारे बच्चे हैं, जितने नीचे बैठे हैं सारे बच्चे हैं, बाकी बड़े कबूतर ऊपर अपना दाने वाने का वेट कर रहे हैं, ठीक है। आप देख सकते हो भाई टचवुड, भगवान नज़र ना लगाए यार, बड़ी मेहनत से बनती है नस्लें। और अंदर भी बच्चे हैं, सारे बच्चे आपको बराबर के ही मिलेंगे, देख सकते हो। मौसम कोई भी हो भाई मेरे को इस चीज़ का डर नहीं लगता कि कबूतर बीमार हो जाएंगे या ये। देखो भगवान बस वायरस से बचा के रखे, क्योंकि वायरस पे तो किसी का जोर नहीं चलता, फिर चाहे कुछ भी दवाई दे लो सप्लीमेंट दे लो, कि अगर बीमार कबूतर लॉफ्ट में आएगा तो फिर भाई सारे बीमार होने का डर रहता है, ठीक है। बाकी ये है कि कबूतर सारे हेल्दी है, दोनों बच्चे बराबर के मिलेंगे आपको हर उसमें। ये देख सकते हो अब ये बच्चा कितना अच्छे बने हुए हैं, टचवुड बिल्कुल एकदम बराबर के ही मिलेंगे। बस ये है कि खिलाई पिलाई थोड़ी अच्छी चाहिए कबूतरों की, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई
सर्दी में बच्चे नहीं बचते या वैसे कोई दिक्कत आती है, देख सकते हो ठीक है, दोनों एकदम बराबर बराबर के, जिसमें एक है उसमें तो एक ही है, जिसमें दो दो हैं वो सारे बराबर के ही मिलेंगे आपको, और एकदम हेल्दी और फ्रेश बच्चे बनते हैं। तो ये देख सकते हो आप, ये बाकी डाल दे कुलदीप इसमें सामान, 5-5 ढक्कन वो डाल दे, एक एक चम्मच ये डाल दे, तो अभी कुलदीप बना देगा इनका भी। अब आपके सामने एक एक ग्रिट, ये अपनी 12 महीने चलती चलती है ग्रिट का, बार बार हर वीडियो में मैं बताता ही हूँ आपको। और मतलब बेसिकली ना कबूतर का हाजमा ओके रखो भाई, बस कबूतर का हाजमा ओके तो सारा कुछ ओके है, ठीक है। हाजमा वगैरह लिवर टॉनिक से और इससे क्या नाम है आपका डाइजेस्टो बैग से अच्छा चलता है। उसके बाद सुपर ब्रीडिंग की फीड अपने आप में पूरी है, तो भाई ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कबूतरों में टेंशन लेने की कि भाई ये वो, बस बाहर के कबूतर का थोड़ा सा आना जाना अपने लॉफ्ट में बंद रखो, और जो भाई भी आ रहे हैं भाई थोड़ा सा परहेज़ रखो इस टाइम पे एक दूसरे के लॉफ्टों में जाने का। कबूतर को अच्छा दाना दो, अच्छा अपना मल्टीविटामिन दो कोई, एक अपना बढ़िया लिवर टॉनिक दो, और एक ये हाजमे के लिए डाइजेस्टो बैग इनका चल ही रहा है। 3 आइटम मैं अपने कबूतरों में दे रहा हूँ, ग्रिट मेरी 12 महीने रहती है, कोई बहुत ज़्यादा मैं इनको अलग अलग चीज़ें नहीं दे रहा, ठीक है, सिंपल रखे हुए हैं भाई और आपके सामने हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं सारे के सारे बच्चे, आपको दिखा दिए मैंने, सही है। तो और कोई देखो ऐसा सच कोई मैंने अलग से ढके ढुके नहीं हुए, बट इसी से ही गर्म रहते हैं सर्दी में, डाइट से ही गर्म रहेगा जो कबूतर गर्म रहेगा ना, दड़बों में हीटर लगाने से कुछ नहीं होएगा, जो कबूतर गर्म रहेगा वो भाई डाइट से गर्म रहेगा। तो यही है भाई ये, और आपको कुछ भी चाहिए हो तो स्क्रीन के दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप ले सकते हैं, और बर्ड्स की कंडीशन आपके सामने है। आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।